तुम रिश्तों में न उलझना, सिर्फ कस्में निभाना, कोई और न मांगे तुम्हें, तुम खुद को मेरी सांसें बताना। जमाने की हर ताकत से लड़ जाऊंगा मैं, बस तुम मेरा साथ निभाना, बस तुम मेरा साथ निभाना। पिछले एपिसोड में आपने देखा, ज्योति का भाई स्वीटी पहलवान हमें छोड़ देता है, लेकिन ये चेतावनी देता है कि बिल्लू ताऊ ये शादी कभी नहीं होने देगा। पुलिस को खबर मिलती है कि बिल्लू ताऊ आजकल बकरीपुर गांव में ही है। मैं और ज्योति मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि उसके पापा को इम्प्रेस करने के लिए मैं उनसे संगीत सीखूंगा और मौका देखकर बात कर लूंगा। अब आगे ना चाहिए धोती यारी, ना चाहिए लहंगे यारी, ना चाहिए धोती यारी, ना चाहिए लहंगे यारी, मन्ने तो चाहिए वालू गाई, जो पानी लावे निकर निकर में, जो पानी लावे निकर निकर में, जो पानी लावे निकर निकर में। वाह गुरुजी वाह, मजा आ गया। गुरुजी एक बात बताओ, इतनी हसीन रचनाएं आप लिखते कैसे हो? बेटा एक पुराना सा पेन पड़या है, बस उससे तो लिख लिया गुरु, और बाकी तो सब भगवान की देन है। गुरुजी कुछ मारते भी सिखाओ ने, मारे भी कुछ कंठा में स्वर आवे। स्वर तो बेटा रियाज ता होगा, रियाज ते बढ़िया बढ़िया गाने पर रियाज करो। हाँ तो करेंगे गुरुजी, रियाज क्यों नहीं, बताओ कौन से गाने पर करें। बेटा मेरा एक नया गाना आया है, बहु खोश लियो तेरी रे। बेटा तू ऐसा मुंह क्यों बना रहा है, तेरी थोड़ी खुशी है ना। ना गुरुजी बताओ कौन सी लाइन है, के प्रैक्टिस करनी है। तेरी वाइफ का मन सच्चा है, बोलने का ढंग भी अच्छा है, ठुमक ठुमक के चलती है जनू, मोरनी का बच्चा है, जोटे की दरिया चलती है, हाय लुगाई मेरी रे, बहु खोश लू तेरी रे, बहु खोश लू तेरी रे। गुरुजी योगना प्रैक्टिस करना है। हाँ निकर निकर में और बहु खोश लू तेरी, दोनों गाने याद कर गाने हैं। ठीक है गुरुजी, मैं कल याद करके आऊंगा। चलो तुम भी जी मना रहे हो। निकर निकर में पापा जी, ये गाना बजाना छोड़ नहीं दो आप, रिटायरमेंट ले लो। बेटा ये बस शुरुआत है। इनकी शुरुआत ने मेरे दिमाग की उतनी ही दही कर रखी थी जितनी की चीचड़ के दादा शेरू ने। अरे क्या हो गया मकोड़े? अरे क्या मना यार, पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द? भाई साहब पेट में दर्द तो मेरा दादा शेरू का होया करता। अच्छा? और इतना मोटा पेट हो गया था, गांव की सारी लुगाई नुकाया करती ब्याह का। निकर निकर में, निकर निकर में। फिर ब्याया? अरे तू अपनी बॉडी तो बात कर लेना, तू चुप रह मोटे। निकर निकर में, निकर निकर में। अरे टिंकू कितना गया था भाई, लेट हो गया? अरे कुछ ना यार, वो ज्योति के बाबू ने लठ दे रखे है। लठ? भाई साहब लठ तो मेरा दादा शेरू दिया करता, पूरा गांव बावड़ा बना रखा था। तो सुता था तेरा दादा यार। अरे तू क्यों पिलिया सा मुंह बनाए बैठा भाई? भाई टिंकू मेरी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन है, उसका ही गिफ्ट देना है। अरे रपिये कौन है यार, हम दे दो यार थर पे हो तो। भाई चूरन पैसे को ना, बाकी यारी दोस्ती में मांग ले कुछ, जान भी दे दूंगा। अरे रहने दे तू, उस दिन एक पप्पी मांगी तेरते साफ साफ नाट गया तू। पप्पी वप्पी ना दी जा भाई टिंकू, फिर तेरा इन बात की आदत भी पड़ जाएगी। आए चमिया। ओ भाई तुम रहने दो ने, भाई टिंकू कि मैं करा दिया जुगाड़। अरे तेने गिफ्ट देना है ना। हाँ तो तू वीमेट डाउनलोड कर ले। वीमेट? यो के है? अरे यो देख, वीमेट शॉर्ट वीडियोस बनाने के लिए एक बहुत बढ़िया ऐप है, और ये है वीमेट का वीमॉल, जिसमें हम डेली 1 बजे सैमसंग गैलेक्सी फोन्स, कैशियो वॉचेस और इस तरह के बहुत सारे फ्री गिफ्ट जीत सकते हैं। अच्छा लेकिन ये गिफ्ट मुझे मिलेंगे कैसे? अरे बहुत आसान है, डेली 1 बजे वीमेट खोल, वीमॉल पे जा, वीडियो शूट कर, बाकी की वीडियोस पे कमेंट कर, उनको शेयर कर, और तू क्वालिफाई कर जाएगा फ्री गिफ्ट जीतने के लिए। अच्छा रे, या तो एक नंबर की ऐप है, इस पे डाउनलोड करूंगा। हाँ जल्दी डाउनलोड कर ले। हाँ फिर रोज 1 बजे चेक करूंगा, अगर मैं फोन जीत गया तो मेरी गर्लफ्रेंड तो घनी राजी हो जाएगी। अरे काचे काटेगा चूरन मारी गेल रहेगा दोनों में। ओ शिट, मेरे गाने की प्रैक्टिस करवा दो यार, वो ज्योति का पापा मने खा जाएगा। कौन से गाने की? अरे देख गाने का नाम है
बहु खोस लू तेरी रे। यू किसा गाना होया? अरे बढ़िया गाना है। तेरी वाइफ का मन सच्चा है, बोलन का ढंग भी अच्छा है। क्या बात है। ठुमक ठुमक के चाले जनु मोरनी का बच्चा है। जोटे की तरिया चाले हाय लुगाई मेरी रे, बहु खोस लू तेरी रे। वैसे भाई टिंकू, बहु तो मेरा दादा शेरू खोसा करता। तेरे दादा की दादी मर। भाई नहीं। छोटे, अरे तने पहलवानी छोट गए, यो क्या गाना बजाना शुरू करया से? अरे जाट जमींदार में यो काम सो बना देता। बस भाई कर रहे हैं टाइम पास, पर तू भी बच कर आया करे। पुलिस ढूंढती आंडा से, कल मार भी आ रही थी। अरे इसी से पुलिस तेरा बाजे मारा खजे में, तू टेंशन ना ले। अरे वो जो मुस्सा पराले थे ना, जिन्हें मारा बाप मारा था, उनका पूरा खानदान मटा दिया है। न्यू मानस मारे तक के मारा बाप उल्टा हो भाई। अरे मैं न्यू कहूँ तू भी ये काम छोड़ दे। और तू क्या चाहो से? मैं भी तेरे तेरे बाजा बजाना लग जाऊं निकर निकर में। भाई गोली बजाना तो अच्छा, यो बाजा बजाना ठीक से है। बस तन्ने बना रहा बाजा। अरे ज्योति इतनी बड़ी होगी, अरे इसके ब्याह के बारे में कुछ सोचा तने? भाई देखने लाग रहे हैं, को बढ़िया परिवार मिल गया तो कर देंगे ब्याह। नू समझ ले रिश्ता मिल गया। वो जो मेरा साथी नहीं है चौधरी अमर सिंह, उसका लड़का दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर लग गया है। अरे एक लोता छोरा है, 20 किले जमीन आवा उसके, और मन ने भर ली। हाँ मन ने दे दी जबान, इम ना वो नाट सकता और ना तू नाट सकता। चलो रे। क्यों छोरी की जिंदगी बर्बाद करावे है कि भी बदमाश मारी छोरी का रिश्ता कराऊंगे? के करा जब नाटा तो उम्र है, हाँ भरे तो उम्र है। बिल्लू ताऊ की कही बात को कोई टाल नहीं सकता था। खतरे की घड़ी अब नजदीक आ चुकी थी। रुको, लाइट भी। सुनो रे, इबे गेम खेलेंगे। कौन सा गेम भाई? डुबकी मारेंगे और जो सब तलाश मिल गया वो जीत गया। ठीक है भाई, चलो मारो डुबकी। टिंकू भाई डुबकी तो मेरा दादा शेरू मारा करता, एक बार बढ़ जाता ना सालों साल नहीं लगता। अरे यार चल तो फिर आज एक और गेम खेलेंगे, फास्टेस्ट कच्चा फर्स्ट। ठीक है, सबने अपना अपना कच्चा काटना है और अपने सर पे पहनना है। जिसने सबसे पहला पहना वो बन जाएगा विश्व विजेता, और बाकी के सारे बालक उसके 500 रुपए देंगे। टिंकू विश्व विजेता तो तेरा भाई बनेगा, क्योंकि मेरे तो फास्ट कच्चा कोई पहन ही नहीं सकता। बस तो इसके तो बढ़ गए 1500। इतना आसान कौन है भाई? आंख मीच के कच्चा काटना है, फिर सर पे पहनना है। आंख खोलते ही वो हार गया। एक मिनट, जब सब आंख मिचेंगे तो जज कौन बनेगा? मैं बनूंगा थारा जज। लो भाई होगी प्रॉब्लम सॉल्व, केला बॉय बनाया हमारा जज, बना लो सारे लाइन आ जाओ भाई। और आंख मीच के कच्चा तारना है। ठीक है भाई। ओ भाई मैं नाक गांड दो, मेरे तई जगह कम पड़गी। तू आ जा भाई, अगर तू आ जा कोई दिक्कत ना है। और सुन ले रे केला बॉय, चीटिंग नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। भाई जिंदगी भर केले खाए हैं, केले की कसम बिल्कुल फेयर गेम होगा। ठीक है भाई, आग नीच लियो सिट्टी मारते ही। ओ भाई टिंकू, ओ भाई टिंकू मेरा कच्चा दे दे। ओ टिंकू कच्चा दे दे भाई, तेरे मेरे दादा शेरू की कसम है। ले कच्चा ले ले ले। टिंकू वो ज्योति आ गई। हो गया यार सब कुछ गड़बड़ होगी यार। क्यों इतनी परेशान हो रही है? आज घरा बिल्लू ताऊ आया था और मेरे ती रिश्ता ले आया है। एक ही तरह बिल्लू ताऊ यार के बरा कैसे कैसे बिजनेस फैला रहा है, फुल टाइम बदमाश, पार्ट टाइम बिचौलिया, और भी कोई धंधे हैं इसके? टिंकू मजाक का टाइम है के यार, मेरे पापा तो उसको उबीड़ रहे हैं और वे तो हां करेंगे। जब कर लिए ब्याह हम भी लाडू खा लेंगे, कार्ड तो दे देगी। यार मैं जाऊं यार। अरे की हो गया, मजाक का तो करूं। मजाक का टाइम है के यार, यो मेरा ब्याह हो जाएगा और तू आड़े एक अच्छा कंपटीशन लड़ता रहिए। फास्टेस्ट कच्चा फर्स्ट, उसके बारे में कुछ नहीं कह, देख यार रहने दे यार।
ज्योति मैं कोशिश तो करन लाग रहा हूँ ना यार, तेरे मारे तो मैं थारे घर आ जाऊँ, तेरे पापा के मुंडे मुंडे गाने सुनू, निक्कर निक्कर मैं आधी दुनिया तो मैंने बावड़ा कहने लग गई, बहु खोस लू तेरी, कल एक मैंने बुढ़े तो कह दिया ईसा टोगा मारा मेरे कुल्ले भाई तीन लील हो रहा है यार, मने ना बेरा तू कुछ कर ले, टाइम ना है यार मार दो रे। अरे सब ठीक हो जाएगा ज्योति, थोड़ा सबर राख, सबर का फल मीठा हो है। देख यार कितनी प्यारी चिड़िया। हाँ। और मौसम भी कितना बढ़िया हो रहा है ना टिंकू। पर क्या फायदा यार, दीवार इतनी छोटी छोटी है कि तो आदमी बैठ कर आराम तो जंगल भी ना हो सकता। ये तो मेरे पापा का चेला है। यो यार इसने हमारी सारी बात सुन ली, तो मेरे पापा तो बता दे। फिर बैठी क्यों, चल पकड़ उसने। भाई छोड़ दे, भाई छोड़ दे, साले तू मेरी बात सुना था डे। ना भाई ना, मैं तो जंगल आया था भाई। जंगल होना? हाँ भाई। इकी जीजी का तू तो चुतड़ भी सिंगल मारता दो है। ना भाई, वदेसी वाली बोतल पापा लेके जा रहा था भाई। हटाओ उसे, हटाओ। के बात सुनी है तेरे मारी? ना भाई ना, कुछ भी ना सुनी भाई। झूठ मत बोले। ना भाई ना, माँ कसम मैंने कुछ भी ना सुनी। झूठ बोल रहे हो, इसने हमारी सारी बात सुनी है, मैंने इस पे 1% भी विश्वास को नहीं। अरे ना भाई ना, मैंने नू भी ना सुनी कि तेरे धनवा का चक्कर है। बोबी तेरी गोभी खोद दूं अगर तने किसी तक कुछ भी बताई तो। ना भाई ना, कभी किसी तक नहीं बताऊं भाई, छोड़ दे भाई। अगर गुरुजी तक एक भी बात पहुंची तने जान तो मार दूंगा, याद रखी। ना भाई ना, कदे को नहीं बताऊं भाई, छोड़ दे। बात जड़े दे टिंकू, मन इस वक्त भी भरोसा को नहीं। इससे पहले यो घर बतावे, तने मेरे पापा से बात करनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। खरी इसकी तो मन इसी को भी खोद दी है, इसकी मत नहीं हुई, आज के बाद किसे तो बात करनी। देर आना है भाई, अपनी बोतल ठाले जाऊं भाई। अपने आप गाल ले माँ। ये कितना भला है, अपना काम होगा ना जब तक भाजा होगा। मम्मी जी पकौड़े तल दो, बार बार ही सारी है इपका। ये तू, मैं बनाऊंगी तेरा मौसम। माँ मैंने ना खाने पकौड़े, क्यों मेरे सर हो रही है? तू बटर चिकन बना दूँ। माँ मेरे घनी टेंशन हो रही है। टेंशन के तो ना इलेक्शन लड़ने हैं, सारे दिन तू सोफे पे पड़ा पड़ा पड़े जा है। सोफे के कवर भी नहीं छल नहीं कर दिए, क्या की टेंशन है तने। मैंने बस थारते बात बताई थी ना ज्योति आली, उसका रिश्ता आ गया माँ, और वो बिल्लू तो ले आया उसका रिश्ता, तुम उनके घर एक बार बात कर लो। हाँ तो बुला ले जब उनके घर आया ने, बैठ कर बात कर लेंगे जो भी है। तुमने कोई एतराज कौन है? हमने क्या एतराज है बेटा, गोद गातना मिलते और बाकी सब ठीक ठाक हो तो हम भी राजी है। बाकी सब तो ठीक है माँ, बस उसका उताऊ बदमाश है, वो कुछ टांग ना अड़ा दे। टाइम आओगा उसका भी कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, पहले उसके माँ बाप तो मिल ले। ठीक है माँ, मैं कह दूंगा उनते, और पापा ते मैं कर लूंगी तेरे पापा था बात। ठीक है माँ, और पकौड़े ही बना देगी आज। बैठ जा तू, चिड़िया जाकर नहा ले। उस दिन मैं खुशी खुशी ज्योति के घर पहुंचा, मैं आज उसके घर वालों को हर बात बताने ही वाला था, पर जिस बात का डर था वही हुआ, वो भी मुझसे पहले ही लंगड़े पहलवान के कान भर चुका था। जिस तूफान को हम थामने की कोशिश कर रहे थे वो तूफान समय से पहले ही आ चुका था। खैर आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं आगे की कहानी लेकर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सबको मेरी राम राम। हाय गाइस, तो दोस्तों ये था देसी प्रेम कहानी का 5वां एपिसोड, अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए। लाइक तो मेरा दादा शेयर करा करता। चुप हो जाती है। और कमेंट करके बताओ आपको ये एपिसोड कैसा लगा, एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और वीमेट ऐप को डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहाँ डेली 1 बजे आप जीत सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी फोन्स और कैशियो वॉचेस जैसे फ्री गिफ्ट्स। सो गो एंड डाउनलोड वीमेट नाउ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शॉट इन फिल्म्स। सब्सक्राइब तो मेरा दादा शेयर करा करता।